हेलो दोस्तों, राम राम। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सुदृढ़ यूट्यूब चैनल पर। अभी जो हम गुड़ खा रहे हैं, एकदम ताजा ताजा गरम गरम गुड़ है और गंगानगर जिले के पश्चिम हिस्से में हम बैठे हैं। पास में ही है, करीब 10-15-20 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ पर जो ताजा गरम गुड़ निकाला जा रहा है। कैसे निकालते हैं ये हम अभी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी हम दिखाएंगे, हम भी पहली बार ही देख रहे हैं कि गुड़ कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बहुत मीठा लगता है ये, जैसे हलवे की तरह लग रहा है। ये दोस्तों रोड के ऊपर इस तरह से गुड़ बेच रहे आने वाले जाने हमारे जैसे हैं उनके लिए, और अंदर जो है वो फैक्ट्री है, विजिट करते हैं। देखिए कितना सोना सोचा रखे ने, अभी ट्रैक्टर को भर रहे हैं। राम राम, सुबह सुबह खूब रस निकालते होगे। काम तो कैसे चलेगा, यहाँ से जो रस निकलता है वही आगे जाता है कढ़ाई में क्या? और ये तो वैसे ही निकलता है जैसे वो गन्ने का जूस पिलाने वाले निकालते हैं सेम। खूब सारे गन्ने दोस्तों इस तरह से ला करके यहाँ पर रख लिए। पहले ट्राली से लेके आगे खेतों में से और अब यहाँ पर। भाई साहब वो जो गन्ने का जूस निकालते हैं ना, वो 2-3 बार कर करके बार बार निकालते हैं। एक बार में निकल जाता है जूस, वो 2-3 बार निचोड़ के निकालते हैं। इसमें है क्या अभी बचा हुआ? कुछ कुछ नहीं है, वो तो शायद इसको भी निचोड़ते रहते हैं। ये तो उसकी दाब कम पड़ती है, उसकी दाब कम पड़ती है। ये ज्यादा बड़ी मशीन होगी ना। यहाँ पर दोस्तों खूब सारे इस तरह से गन्ने इकट्ठे करके और पहले तो जूस निकालते हैं, जैसे गन्ने का निकालते हैं ना ठीक वैसे ही पहले इसका जूस निकाला जाता है और जूस को एक जगह बड़े से कुंड के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर गन्ने का जो है वो जैसे गन्ने डाल रहे हैं तो मशीन से जूस निकल करके आ रहा है और ये जूस जो है वो एक पाइपलाइन के जरिए आगे पहुंच रहा है। देखिए जूस जो आ रहा है एकदम शुद्ध और ताजा जूस है। ये इतना बड़ा एक कुंड है, उसके अंदर सीधा जूस जो है वहां से आता ही रहता है। उसके बाद दोस्तों कुंड के अंदर से जो है वो कढ़ाई के अंदर आ जाता है। ये उस कुंड के अंदर से आ रहा है ना ये वाला? हाँ जी, यहाँ कुलाड़े से कुंड में, कुंड के अंदर से यहाँ आ गया और फिर इस कढ़ाई के अंदर ये इधर से फिर इधर चल जाएगा। इधर इधर फिल्टर हो के आगे चल जाएगा, आगे तैयार हो के इधर आ जाएगा, फिर लास्ट में इस पे आ जाएगा चौक पे। इस पे से इसकी गुठाई करके नीचे उतार। तो आप ये बताओ कि इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं झरना से? अभी ये झरनी से इसका मैल उतार रहे हैं। मैल उतार रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं।
सफाई हो रही है। और इसके अंदर फिर क्या है, ये बड़ा बड़ा सा है, ये मैल ही है इसका, उसमें से बांध देते हैं जूस निकल जाता है। अच्छा, वो वाला मेल यहाँ इकट्ठा करके यहाँ रख दिया, यहाँ बांध दिया, तो थोड़ा बहुत रस है वो रह जाएगा, फिर इसको फेंक देंगे। हाँ, फिर जाड़े वाले पशु वाले ले जाते हैं। अच्छा, पशु वाले खा लेते हैं पशु। आपका शुभ नाम क्या है? यशपाल। यशपाल, पूरे दिन आप ये गुड़ निकालने का काम करते हैं, शक्कर भी निकालते हो? शक्कर, गुड़ और शक्कर दोनों। अभी जैसे आपके लास्ट में उस भटके आ गया निकालने के लिए तैयार है? ज़्यादा लग जाएगी, 10-15 मिनट। अच्छा, 10-15 मिनट लगेगी अभी, और फिर यहाँ से इस पे लाओगे आप तब खाने लायक हो जाएगा ये। फिर यहाँ तैयार करके नीचे उतार देंगे आप, फिर यहाँ नीचे उतार दोगे। और ये दोस्तों मेल उतार उतार के इस तरह से भिंडी का ये पानी है, जो लकड़ी होती है भिंडी की वो ये है, और इस भिंडी के पानी से जो है वो मेल उतारते हैं। जैसे गुड़ बेचते हैं तो उसमें कोई कहता है अभी 40 रुपए किलो का है, 60 रुपए का है, 100 का है, 80 का है, तो उसमें क्या फर्क होता है? ये जैसे गुड़ है ये कितने रुपए का? 40 रुपए, यानी के चाय वाला और खाने वाला है, सिंपल है ये तो 40 रुपए। और उसके अंदर सामान डालना पड़ता है, जैसे कि उधर रखा हुआ है सामान वाला। अच्छा, हाँ, उसमें जैसे लागत आती है उसी के हिसाब से रेट बढ़ जाता है। बढ़िया कोई चीज डालते उसमें? हाँ, उसमें मूँगफली, तिल, सौंफ, सूंठ। अच्छा, और गुड़ के अंदर ये सब चीज़ें? हाँ, गुड़ के अंदर। अच्छा, तो ज़्यादा जैसे मूँगफली, तिल और ये डालते तो और ज़्यादा उसकी रेट बढ़ जाती है? हाँ जी, उसका हिसाब। पीस कर या सीधा ही साबुत ही मूँगफली? नहीं नहीं, आधी आधी पीस कर। हाँ नहीं, साबुती है वैसे, साबुती डालते वो तो गुड़ पापड़ी होगी फिर तो, गजक होगी। हाँ, वो गजक वाले हिसाब। नहीं नहीं, कई लोग इसको भी बेचते हैं, देखने से पता ही नहीं चलता कोई 80 का 90 का ऐसे करके। नहीं नहीं, वो गलत है, वो तो वैसे ठगीबाजी करते हैं। अच्छा, वो ठगीबाजी करते हैं नॉर्मली, ये 40-50 वाले यही सही रहता है। इसका क्या नाम है जिसे आप ये हिला रहे हो? अब ये चाशनी बोलते हैं इसको, पांत, जैसे कि इधर के लोग पांत या पंजाबी पांत। इसको ये तो चाशनी है? चाशनी है ये, हम चाशनी बोलते हैं। नहीं, ये हाथ में क्या पकड़ रखा है? ये डोरा है। डोरा, ये काम ठीक है। अच्छा, आप जैसे कहते हो तो कितने रुपए कुंटल मिल जाते हैं आपको गन्ना? गन्ना मिल जाता है 300 रुपए कुंटल, लगभग 300 रुपए के आसपास। और 40 रुपए एक कुंटल गन्ना में कितना गुड़ निकलता है? एक कुंटल गन्ने में निकल जाता है 10-11 किलो। 10-11 किलो निकल जाता है एक कुंटल गन्ने में? 10-11 किलो निकलता है। हाँ, आगे जाके बच जाएगा। अच्छा, अभी कच्चा है ना गन्ना? अच्छा, तो पक जाएगा गन्ना, फिर चल जाएगा 12 किलो 13 किलो, 12-13 15 14 15 किलो गुड़ हो जाएगा। और भाव 40 रुपये? अभी तो कच्चा गन्ना है इसलिए कम निकलता है। अच्छा है, हर साल निकालने आते हो क्या यहाँ पर आप? हाँ जी। हर साल कहाँ से आप? जिला मुजफ्फरनगर, यूपी से मुजफ्फरनगर। ये क्या चीज़ है, शहद जैसा कुछ दिख रहा है? ये सरोदा तेल। तेल? हाँ जी, सरोदा। सरोदा, और ये कलर किस चीज़ का? ये कलर वो जलेबी वाला। जलेबी वाला कलर है? हाँ जी। तो कलर दें, ये बात मेरे अभी तक समझ नहीं आई। ये थोड़ा सुनहरीपन पर लाना पड़ता है, लाल, नहीं तो फिर दिखने में ऐसे। हाँ जी, नहीं तो फिर सफ़ेद हो जाता है। तो अगर कोई बिना कलर का लेना चाहे तो उसको बना के दे देते हो क्या आप? हाँ जी, बना रखा है बिना। अच्छा, आपने बना भी रखा है, तो किसी को बिना कलर का चाहिए तो वो खा लो चाहिए। हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कलर से भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कलर तो गुड वो है, पर तो कोई किसी की चॉइस है, कोई कलर वाला ले कोई नहीं कलर वाला। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आजकल ऐसे भी कई लोगों को लाल दिखे तभी अच्छा लगता है। हाँ, तो हमें तो भाई नेचुरल जैसा होना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कलर खाने से क्या मतलब है, गुड़ खाने से मतलब है। यहाँ पर जो है बिना कलर का भी बना हुआ है। अच्छा, रखा है क्या आपने? जी ठीक है, जो है इस तरह से पक गया एक तरह से। हाँ, अब पक जाएगा, अब ये तो कच्चा है थोड़ा। अच्छा, मिठाई की तरह इसकी भी घुटाई करनी पड़ती है थोड़ी। अच्छा, ये भी एक मिठाई बन रही है। और ये भाप इसी तरह से जल्दी है पूरे दिन, सुबह सुबह ज़्यादा रहती है? सुबह के टाइम, ठंड के टाइम, ठंड के टाइम में भाप ज़्यादा होती है। नहीं, गर्मियों में थोड़ा कम हो जाएगी। आई गए हैं तो जूस तो पी लेते, वैसा एक गिलास बनना।
सुबह सुबह ठंडा ठंडा जूस पी लेते हैं। सी अगर मैं पीसूं तो ले बेटा अभी भी ले पीले हाथ लगा दे आज देख कालो बेटा देख सही है एकदम सही है अब ये इसके ऊपर डाल रहे हैं सारा सारा जो यहाँ पर गुड़ इकट्ठा हो गया है एक स्टैंड बना हुआ है एक तरह से ये इसके ऊपर अभी कितने किलो गुड़ होगा इसके ऊपर होगा ये 30-35 किलो गुड़ 30-35 किलो गुड़ है ये किलो और कई लोग इसको अलग अलग शेप देते हैं जैसे दिल के शेप का या साबुन जैसा बनाते हैं उसके फर्मे अलग आते हैं वो फर्मा आता है कोई अलग है तो ये तो अभी ऐसा बनेगा क्या तो ऐसा आप कैसे बनाते हो क्या करोगे बस हाथ से ही कर दिया ऐसे ये गुड़ है दोस्तों देखिए ये फट कैसे गया नॉर्मली गुड़ फटता नहीं है ये नहीं ये देखो ये मेरे हाथ के जिसमें ताकत ज्यादा रहती है वो फट जाता है अच्छा अच्छा होता है फटने वाला ये ताकत नहीं होगी वो फटने वाला अच्छा तो आप अच्छा गुड़ शुद्ध गुड़ बनाते हो बढ़िया इसके नीचे तिल और चिपके हुए हैं तिल के ऊपर लगा रखा था किसको अंदर ही डाल देते हैं चार पांच छह आइटम रहते हैं अच्छा ये सौंफ भी डाल रखी है एक दिन में कितने कुंटल निकल जाएगा गुड़ एक दिन में निकल जाता है 8-10 कुंटल 8-10 कुंटल निकाल लेते हो और 400 रुपए कुंटल बिकता है क्या नहीं 4000 रुपए 4000 रुपए कुंटल मेहनत बहुत है इसके अंदर काम पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है लो मैं पकड़ू क्या चीज नहीं नहीं एकदम ताजा गरम गरम गुड़ हाँ ये बच्चों को खिलाओ ये देखने में तो हलवे जैसे लग रहा है ये सेट हो जाएगा कागज देखो कितना अच्छा लगेगा गरम गरम बच्चों को खिला दो बच्चों को और आप इस पलटे से उतार उतार के रख रहे हो
इस तरह से हाथ नहीं जल रहे। हाँ गर्म है जी, पानी रहता है अपने पास। अच्छा ये पानी से चिपक तो नहीं आती। देखो खा फिर ना, चलो ले बेटा। देखो जी खा के देखो। ये लस्सी गरम गरम हलवे जैसा, जैसे गरम गरम माल खा रहे हो ना। वाओ है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे है अच्छा लग रहा है सिया? ताता है वैसे। आप पूरे परिवार सहित यहाँ पर रहते हो गए? हाँ जी। और सारे घर के सदस्य काम करते ही रहते हैं ये? कोई झोंक रहा, कोई गन्ने लगा रहा, कोई कुछ कर रहा। लाइफ में पहली बार इस तरह से गरम गरम गुड़ जो हमने यहीं पर खाया है। गरम है? दोस्तों हम इतना गुड़ ले रहे हैं साथ में। अब दोस्तों देखिए, देखते हैं शक्कर कैसे बनाई जाती है। सेम वैसे तो वही प्रक्रिया है जो गन्ने का रस है, उसको इसी तरह से चाशनी बनाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग ज़रूर करेंगे शक्कर बनाने के लिए। बड़ी हो जाती है ऐसे। मीठा सोडा है कि? जो गाय भैंस को देती है मीठा सोडा है। इस शक्कर में पड़ता है, गुड़ में भी पड़ता है? गुड़ में नहीं पड़ता। तो पूरा रंग रूप ही बदल रहा है इसका। नहीं ये वाला सोडा है। अच्छा ये सोडा है। ये तो वही है जो हम डालते हैं ना, जो खाने में छोले वाले के अंडे में काम आते हैं वो रस में घोल के गिरते हैं। ये बिना सोडे का है, इसको भी चेक करें। बस और डालो ना। ना बहुत इसे हो गए। ये ऐसे है कि मुंह में कहीं नहीं चिपक रहा है, जहाँ चिपक रहा है वहां से उतर नहीं रहा है। बिना सोडे के ये शक्कर है। ये जो इक्लेयर जो चॉकलेट आती है ना खाने वाले, ऐसा ही है। उसकी तरह चिपक गया तो उतर नहीं रहा है, और या फिर चिपक ही नहीं रहा है। ये घुलेगा राम राम धीरे धीरे। तब पक दे। कड़क होने के बाद ज्यादा सही रहेगा कि नहीं रहेगा? बिना सोडे की शक्कर। शक्कर है यार।
दे आगे। बिना सोडे की जो शक्कर हमने ली थी कुछ इस तरह की हो गई है, बहुत ही गजब लग रही है। ले कनेक्शन से तो बाट क्यों जुड़ गया। अब इसको आप हिलाओगे हिलाओगे तब जाके सेट होगा, तब शक्कर बनेगी इसकी। हैं वाओ, अब बढ़िया सेट हुई है। एकदम तो बेटा खा के चेक कर। शक्कर गुड़ से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है सिया? बन गई एक शक्कर।